नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमें बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 325 इज अ पॉलीनोमियल। हमें एक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स दिया है और किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 325, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। इनमें जो ए और बी है वो रियल नंबर्स है। और आगे बोला है द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जीरोस यानी कि एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एक्स की मैक्सिमम दो वैल्यूज आ सकती है, यानी कि दो जीरोस हम एक्स के फाइंड कर सकते हैं। और वो जीरोस क्या है बच्चा, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एक तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चा वो जो खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी खुद के टेबल में आते हैं, और वन से डिविजिबल होते हैं, यानी कि वन के टेबल में आते हैं, लाइक टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन एंड सो ऑन। ओके, बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर्स। अब जो जीरोस है वो किस फॉर्म है, प्राइम नंबर की फॉर्म में। और सेकंड कंडीशन है कि वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि उनकी वैल्यू अलग अलग है, सेम वैल्यूज नहीं है, ये ध्यान रखना है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के जीरोस फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड करने हैं, और ए और बी की वैल्यूज भी फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीओजेड। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस भी होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन। दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और ए बी और सी की वैल्यू हमें कहां से मिलती है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है बच्चा, और जो बी होता है एक्स का कोफिशियंट होता है पॉलिनोमियल में, और सी जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, और ये किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा के इक्वल। ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ओके, अब सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म क्या है गिवन पॉलिनोमियल 325 अपॉन ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए की जगह ए ही है तो हम इधर ए ही लिख देंगे ओनली। तो 325 अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि अल्फा बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 325 इंटू 1 करेंगे तो 325 ही आएगा, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, इसका एक रीजन है अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कराया ये भी अभी आगे बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 325 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 325 को प्राइम फैक्टराइज करें तो पहले 5 से जा रहा है तो इधर 65 आएगा, देन 5 से जाएगा तो 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 325 ये आई 5 × 5 × 13 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब बच्चा हम कंपेयर करेंगे एलएचएस और आरएचएस को। अब अगर हम एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करते हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले हम लेंगे, अल्फा की जगह हम 5 ले लें और बीटा की जगह 5 ले लें, तो अल्फा और बीटा 5 और 5 हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही होगा, नहीं। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर चलो ये है मान लिया मैंने, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं। तो अल्फा और बीटा हम क्या लेंगे, 5 और 13 लेंगे, ताकि दोनों प्राइम नंबर हो गए और साथ में अल्फा और बीटा की वैल्यू डिस्टिंक्ट भी होगी, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगी। तो हम लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 13। और देखो ये वैल्यूज तो हमने कंपेयर कर ली है, दो वैल्यू अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह 13 ले ली। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए को हम 5 से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो एक 5 ये वाला बच गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और सेकंड पार्ट में भी बच्चा हमने ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हमें ओनली बी की वैल्यू फाइंड कर। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज करें। तो सम ऑफ जीरो यानी कि एस ओ जेड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, और ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरो यानी कि दोनों जीरोस को प्लस करें। अब बी क्या है, बी तो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी ही रहेगा, तो माइनस बी अपॉन ए, ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है, देखो बच्चा इधर ए इज इक्वल टू 5, ए की जगह 5 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा में अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे, अल्फा क्या है 5 है और बीटा क्या है 13, 5 + 13 तो माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 + 13 इज 18। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, तो माइनस बी इंटू 1 क्या होगा, माइनस 1 बी, या ओनली बी भी लिख सकते हैं, और 5 × 18 इज इक्वल टू 19, तो 1 - 1 बी इज इक्वल टू 19। अब बी की वैल्यू लेने के लिए अब ये माइनस 1 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो ये LHS से RHS में जाने पे ये डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय माइनस 1 हो जाएगा, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर, तो 90 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, माइनस 90, और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वल टू 5, और अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया।